हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एन एकेडमी। एन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। प्रेजेंट टाइम में आपको अगर किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए करनी है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, एज वेल एज एक स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। मैं अजय कृष्ण पाठक, मैं डिस्कशन कर रहा था। अभी तक हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, हम लोगों की एक साइंटिस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में और उनके काम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो डिस्कशन मेनली चल रहा है वो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने साइंटिस्ट हैं उनके बारे में और उनके काम के बारे में डिस्कशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो आज की हमारी साइंटिस्ट सीरीज में हम दो नए साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किया है। जॉन एफ हार्टविक येल यूनिवर्सिटी के एंड स्टीफन एल बुचवॉर्ड एमआईटी यूनिवर्सिटी के। इन्होंने एक कपलिंग रिएक्शन दिया जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी जो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री है उसमें। ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम्स में इसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। टिफर के एग्जाम में तो ज्यादातर कपलिंग रिएक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनोमेटलिक टॉपिक के, और साथ ही साथ ये शीशा यार्नेट गेट एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें अगर ऑर्गेनोमेटलिक की कैटालिसिस अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं बुचवॉल्ड हार्टविक कार्बन नाइट्रोजन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन की। इस मेथड के थ्रू हमने किसकी सिंथेसिस की? इस मेथड के थ्रू हमने अमीन के सिंथेसिस की, मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया या कार्बन नाइट्रोजन के कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस की। ये मेथड काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी एप्लीकेबल है और काफी सस्ता भी पड़ता है अगर हमें क्रॉस कपलिंग करानी है कार्बन और नाइट्रोजन के साथ। तो बुचवॉल और हार्टविक ने जो रिएजेंट यूज किया था या जो आपका कैटालिसिस यूज किया था, जो कैटलिस्ट यूज किया वो पैलेडियम का कैटलिस्ट यूज किया था। इन्होंने पैलेडियम का कैटलिस्ट यूज किया था और इसके ऊपर जो लीगेंड्स प्रेजेंट था वो था डाइफिनाइल फॉस्फिन फेरोसिन। डाइफिनाइल फॉस्फिन फेरोसिन की अगर हम बात करें तो ये बल्कि लीगेंड होता है। ये इस लीगेंड ने पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म को कैसे अल्टर किया, कैसे चेंज किया, या इस रिएक्शन में किस स्टेप में कौन सा चेंज आता है, या कौन से स्टेप पे हमें ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, या किस स्टेप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कौन सा स्टेप एब नॉर्मल है, इस पे ध्यान रखने के लिए एकदम हमारे साथ बने रहिएगा और सीखते जाइए इन चीजों को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पैलेडियम का जो है कैटलिस्ट यूज किया, इसके ऊपर इन्होंने जो है यूज किया ऑर्गेनिक हैलाइड कंपाउंड। एरोमेटिक भी हो सकता है आपका, एलिफैटिक भी हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? एरोमेटिक ले रखा है। ठीक है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड का जब यूज किया तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक हैलाइड पैलेडियम के साथ क्या देगा? पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देगा, और अगर ये पैलेडियम के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देगा तो आपको पता है कि जब हम बात करेंगे इसके बीच के बॉन्ड की तो ये बॉन्ड क्या होता है? पोलर। और जो पोलर बॉन्ड होता है उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो होता है वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस पे कैसा होता है? ट्रांस फैशन में होता है। इनकमिंग बॉन्ड्स जो बनते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस पे, दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा कार्बन और एक्स बॉन्ड के बीच का, वो क्या होगा? ट्रांस होगा। बट इस कैटलिस्ट पे या इस कंपाउंड पे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है उसमें इनकमिंग लिगेंड का जो ओरिएंटेशन है कॉम्प्लेक्स पे वो क्या है? वो सेम है। वो ऐसा क्यों है? ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी क्यों हुई है जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है? ये कंपाउंड क्यों बना है ऑक्सीडेटिव एडिशन होके, इसके लिए क्या रीजन रहा? तो इसके लिए रीजन ये रहा कि ये जो लीगेंड हमारे पास प्रेजेंस है पैलेडियम पे, डाइफिनाइल फॉस्फिन यहाँ पे अगर मेटल अटैच है तो ये बल्की लीगेंड है। बल्की लीगेंड है तो ये ट्रांस एडिशन को क्या कर देगा? ट्रांस एडिशन को रिड्यूस्ड कर देगा, तो प्रेफर किसे करेगा? सिस एडिशन को। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही है, इस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में जो इनकमिंग आपका आ रहा है लिगेंड जिनका ओरिएंटेशन कॉम्प्लेक्स पे क्या है? सिन है। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम के ऊपर ये डाइफिनाइल फॉस्फिन फेरोसिन लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से ही प्रॉपर्टी जो हो गई अल्टर हो गई।
उसके बाद क्या कराया इन्होंने, इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया NaOH से। NaOH का क्या काम होगा, ये बिहेव करता है बेस की तरह, इंट्रैक्ट करेगा पैलेडियम मेटल पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब देगा तो हैलोजन को क्या करेगा, हैलोजन को रिप्लेस करेगा। हैलोजन को रिप्लेस कैसे करेगा, एज ए साल्ट रिप्लेस करेगा, हम अगर बेस ले रहे हैं इसको तो एज ए NaX जो है वो रिप्लेस करेगा, और फाइनल कंपाउंड जो बनेगा हमारे पास पैलेडियम का उसके ऊपर OET का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। मीन्स OET जो ऑक्सीजन का डेरिवेटिव है, ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है, इसने क्या कर दिया, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, और किस मेथड के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू इसका फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या करा रखा है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने अमीन ले रखा है, अमीन का रिएक्शन करा रखा है। अमीन क्या करेगा, यहाँ पे ये ओईटी को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, ओईटी को जो सब्स्टिट्यूट करेगा और इसके लिए क्या रोल प्ले करेगा ये भी हमें समझना है। ये क्या रोल प्ले करेगा कि ये यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा पैलेडियम पे, या जो ये स्टेप होगी वो स्टेप क्या होगी, फास्ट होगी। ये स्टेप क्या होगी, फास्ट होगी, और फास्ट होके जो फाइनली कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा वहां पे क्या होगा, ओईटी की जगह पे कौन ऐड हो जाएगा, एनएचआर ऐड हो जाएगा, अमीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि अमीन कॉम्प्लेक्स से ये कंपाउंड जो है बेस निकाल ले और डायरेक्ट अमीन आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दे, तो इसकी मैकेनिज्म ऐसे भी हो सकती है, या डायरेक्ट ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करके फर्दर प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करते हुए सब्स्टिट्यूट हो, मैकेनिज्म ये भी हो सकती है, दोनों मैकेनिज्म प्रोबेबल पॉसिबल है। अब जो लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन की, जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, उसमें क्या हो रहा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है, और रिडक्टिव एलिमिनेशन होकर जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमें है वो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, और फाइनली जो हमारा लीगेंड्स था उसका दोबारा, जो लीगेंड कंटेनिंग हमारा कैटलिस्ट था वो दोबारा रीजनरेट हो गया। तो ये रिएक्शन जो है फोर स्टेप में प्रोसीड हो रही है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, किसका, पोलर बॉन्ड का, लेकिन सिन फैशन में, इसलिए बिकॉज बल्कि लीगेंड प्रेजेंट है जो ट्रांस फैशन के ऑक्सीडेटिव एडिशन को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NaOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्ट करके ये कंपाउंड दे रहा है जो फर्दर रिएक्ट विद अमीन बाय अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन टू अमीन सब्स्टिट्यूट टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द लास्ट प्रोडक्ट विच अंडरगो रिडक्टिव एलिमिनेशन टू फॉर्म अमीन कॉम्प्लेक्स एंड फर्दर रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो चार स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, चारों स्टेप अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वेरिएशन है इस रिएक्शन में, सबसे ज्यादा वेरिएशन ऑक्सीडेटिव एडिशन वाली प्रोसेस में है, बिकॉज यहाँ पे पोलर बॉन्ड का भी ऑक्सीडेटिव एडिशन सिन फैशन में हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लिगेंड। ये याद आपको रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बुचवाल्ड हार्डविक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में किसके बीच में क्रॉस कपलिंग होती है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन कहाँ का, यहाँ का, और नाइट्रोजन कहाँ का, अमीन का, यहाँ का कार्बन और अमीन का नाइट्रोजन जुट के एक नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी बुचवाल्ड हार्डविक CN क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सेकेंड कैटलिटिक साइकिल ऑफ द आवर सीरीज, मैं जल्द ही थर्ड कैटलिटिक साइकिल आपके लिए लेके आऊंगा, तो बने रहिए और नए कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में न्यू कैटलिटिक साइकिल के साथ, और कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे आपको ये वेरिएशन दिखा है, ऐसे कुछ और वेरिएशन और कुछ नए मैकेनिज्म को सीखेंगे नेक्स्ट कैटलिटिक साइकिल में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।